अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स अभी तक हमने मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो भी पत्थरों की वैदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट आपने कोई किला देखा है हैव यू सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर मिनरेट्स आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पुरानी मीनारें होती हैं उनमें भी पेड़ उग जाते हैं यू ऑल्सो मस्ट द रूट्स ऑफ द ट्रीज और जब ऐसे पत, आ, देखा होगा आपने जब वो ट्रीज की रूट्स जो हैं वो फैलने लगती है तो पत्थर आपस से टूट जाते हैं उस एरिया के एज द रूट ग्रो बिगर दे क्रिएट टेंशन इन द रॉक्स एंड स्टार्ट ब्रेकिंग जैसे जैसे जड़ें जो है वो बड़ी होने लगती है तो वो अंदर टेंशन क्रिएट कर देती हैं और पत्थर जो है इसकी वजह से टूट जाता है एंडस मेक लार्ज एंड हिल्स रेट्स माइस रैबिट्स एंड अदर वॉर्म्स एंड इंसेक्ट मेक ब्रॉज इन द ग्राउंड चीटियाँ हो गई ये अपना घर बना लेती हैं उसके अलावा चूहे हो गए या खरगोश हो गए ये, ये छोटे छोटे और जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये अक्सर उसके ज़मीन के अंदर अपने घर बना लेते हैं छेद कर देते हैं उसके अंदर दिज एनिमल्स आर कोल्ड बोरोइंग एनिमल्स इनको हम बोरोइंग एनिमल्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी वैदरिंग ऑफ रॉक अकर्स और इनकी एक्टिविटी की वजह से पत्थरों के में वैदरिंग होती है बिसाइड्स दीज एल्गी मॉस लाइचिन अदर फ्लोरा एक्सेट्रा ग्रो इन दी रॉक्स इसके अलावा मॉस हो गया एल्गी हो गया लाइचिन है ये भी पत्थरों में ग्रो करते हैं दे ऑल्सो हेल्प इन वैदरिंग और इसकी वजह से भी वैदरिंग होती है अब हम पेज नंबर ट्वेंटी एट पर चलते हैं मास मूवमेंट मास वेस्टिंग मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे द वैदर्ड ड्रॉक्स मटीरियल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द स्लॉप ड्यू टू ग्रेविटी अकोमलेट्स नियर द फुट हिल्स और द जेंटलर स्लॉप्स ऐसे ऐसे जब पत्थर टूटने लगते हैं तो ढलानों पे ग्रेविटी अपना काम दिखाती है और ये पत्थर जो है उन चट्टानों ऐसी पहाड़ियों की तले पे इकट्ठे होने लगते हैं या फिर जहाँ पर स्लोप कम होता है उस एरिया में इकट्ठे होने लगते हैं दिस प्रोसेस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर ईयर्स ये ऐसा कई सालों से होता आ रहा है द वेदर्ड पार्टिकल्स फ्रॉम क्लोनिकल हीप एट द फूट हिल्स वेन uh, द uh, weathered particles move down due to gravity alone, the process is called mass मोमेंट्स और जब ऐसा लगातार जो है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता रहता है तो उसे मास मोवमेंट हम कहते हैं मास मोमेंट अक्कर इन टू वेज ये दो तरह से होती है एक है रैपिड जो कि बहुत ही खड़ी चट्टानों पर देखी जाती है स्लो जो है वो कम जो ढलान कम ढलान वाली जो चट्टान हैं उन पर देखने को मिलती हैं अब हम रैपिड मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे रॉक फॉल्स लैंड स्लाइड्स लैंड सब सबसाइडेंस आकर रैपिडली पत्थरों का गिरना लैंड स्लाइड होना या फिर लैब सब्सिडेंस होना इन एरियाज़ में काफ़ी कॉमन है देयर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इनके असर जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है The probability of these events is more in the uh, regions having humid climate and steeper slopes. जिन एरिया में नमी ज़्यादा होती है हवा में और चट्टाएं जो हैं वो खड़ी होती हैं उन एरियाज में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है A thick layer of weathered material forms on the slope. और इसकी वजह से जो खराब चट्टानों का एरिया जो weathered आ, सामान होता है वो स्लोप पर इकट्ठा होने लगता है वेन ट्रेन इन सच एरियाज द रेन वॉटर पैने ट्रेन द वैदर्ड मटीरियल एंड दे आर वेट इंक्रीजेज और जब बारिश होती है तो वो पानी इन आ, वैदर्ड जो इन, वैदर्ड मटीरियल्स हैं इनमें इकट्ठा हो जाता है और उसका वेट बढ़ जाता है और फिर ये चट्टाने जो है उसका वजन सहन नहीं कर पाती तो आ, ये पत्थर जो है वो स्लाइड करके नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर लैंड स्लाइड जैसे या फिर रॉक फॉल्स जैसा हमें देखने को मिलता है जैसा भी हमने पढ़ाया इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए मर्ड स्लाइड मेन विलेज पुणे में समटाइम्स द वैदर मेटीरियल्स डू नॉट मूव डाउनवर्ड्स बट सिंक इन सेतु कई बार जो है ऐसा वो ढलान से नीचे नहीं आते लेकिन वो उसी जमी जम, जगह पर नीचे धस जाते हैं दिस, और इसे हम स्लम्पिंग कहते हैं आप फिगर 3.10 में देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर जो है वो अंदर ही धस गया है ये बाहर आ, नीचे स्लाइड नहीं हुआ है सच रैपिड मास मूवमेंट्स में ऑल्सो अक्कर बिकॉज ऑफ अर्थ क्विक ऐसा भूकंप की वजह से भी ऐसा देखने को मिल जाता है अब हम स्लोअर मास मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट्स एंड जेंटलर स्लॉब जहाँ पर क्लाइमेट में नमी कम होती है और स्लोप भी स्लो होता है वहाँ पर मास मूवमेंट धीरे धीरे होता है सोयल जो है वो सोयल uh, के ऊपर का एरिया का जो uh, उड़ना है वो बहुत ही कॉमन होता है इसे इन एरियाज में इन पैरलॉजिकल रीजन्स अलोंग द स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉयल अकोबलेट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉयल उसके नीचे के एरिया में जो है हमें स्लोप uh, मिट्टी के इकट्ठा होना देख सकते हैं हम और वो बहुत ही धीरे धीरे ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है इसे हम सोलिफ uh, सॉलिफ फ्लक्चुएशन कहते हैं इसे हम सोलि फ्लक्चुएशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को लाइक वैदरिंग एंड मास मूवमेंट्स इरोजन इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे कि अभी हमने वैदरिंग पढ़ा और मास मूवमेंट पढ़ा मिट्टी की ऊपरी लेयर का उड़ जाना भी सॉयल इरोजन भी इसी तरह का एक प्रोसेस है इरोजन आकर थ्रू वेरियस एजेंट्स और इरोजन अलग अलग तरह से होती है हवा की वजह से बहुत तेज़ पानी के बहने की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र के पानी की वजह से और ग्राउंड पानी ग्राउंड uh, वाटर में uh, लगातार इफेक्ट्स uh, की वजह से भी ऐसा इरोजन देखने को हमें मिलता है वी विल स्टडी द एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय दैम इन नेक्स्ट लेसन अगले लेसन में हम ऐसे लैंड की वजह से जो इरोजन की वजह से बनते हैं उसके बारे में हम